भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना का आज शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों में बसे चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के मार्गों ने भूस्खलन, सिंकिंग जोन, अंधे मोड़ आदि दुर्घटनामय सैकड़ों स्थलों के कई आघातों से गुजरते हुए पगडंडियों से सड़कों तक का सफर तय किया है। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री और देशी विदेशी पर्यटक चार धाम एवं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और ओली में एडवेंचर खेलों के लिए उत्तराखंड की यात्रा करती हैं। इस यात्रा में उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में ये यात्राएं और दुर्गम एवं दुष्कर हो जाती है। सभी मौसम में ये यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में परिवहन मंत्रालय ने 12,000 करोड़ रुपए लागत की चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना बनाई है। 900 किलोमीटर लंबे 2-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ नेशनल हाईवे विकास को गहन सर्वेक्षण और अध्ययन के बाद 7 पैकेजेस के माध्यम से आकार दिया है, जिसकी शुरुआत ऋषिकेश से होगी। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 140 किलोमीटर NH-58 का विकास, लागत 2166 करोड़ रुपए। रुद्रप्रयाग से माना बद्रीनाथ 160 किलोमीटर NH-58 का विकास, लागत 1542 करोड़ रुपए। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड केदारनाथ 76 किलोमीटर NH-109 का विकास, लागत 1106 करोड़ रुपए। ऋषिकेश से धारासू 144 किलोमीटर NH-94 का विकास, खर्च 1627.50 करोड़ रुपए। धारासू से यमुनोत्री 95 किलोमीटर NH-94 का विकास, लागत 1920 करोड़ रुपए। धारासू से गंगोत्री 124 किलोमीटर NH-108 का विकास, लागत 2079 करोड़ रुपए। टनकपुर से पिथौरागढ़ 148 किलोमीटर नेशनल हाईवे 125 का विकास, खर्च 1557 करोड़ रुपए। इन मार्गों पर कुल 132 पुलों की श्रृंखला बनेगी, जिसमें 25 हाई फ्लड लेवल ब्रिज और 107 मैनर ब्रिज शामिल है। 13 बाईपास कई शहरों को जाम फ्री बना देंगे। चार धाम क्षेत्र की नदियां और हिमगिरी का पानी सड़कों की बर्बादी में अहम भूमिका निभाते हैं। जगह जगह रिवर प्रोटेक्शन वॉल, 3889 कलवर्ट राजमार्गों की सुरक्षा का हल बनेंगे। पागल नाला, लांबागढ़ जैसे 38 लैंडस्लाइड स्पॉट पर स्टील जाली, सॉयल नेलिंग, गैवियन वॉल, स्क्वायर मैस वेजिटेशन, जियो सिंथेटिक ट्रीटमेंट की आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। देवप्रयाग जैसे 3 सिंकिंग जोन का ट्रीटमेंट भूस्खलन से सड़कों को सुरक्षित करेगी। 4 वायाडक्ट का निर्माण होगा, जिसमें मरीन पॉइंट रिवर वायाडक्ट तथा सोन गंगा अलकनंदा नदी के पानी से सोन गंगा की 775 मीटर लंबी माउंटेन वायाडक्ट राजमार्ग को 25 मीटर ऊंचा पहुंचा देगी। 2 महत्वपूर्ण टनल भी विकसित होंगी, 5 किलोमीटर सिल्कियारा बैंड टनल 25.5 किलोमीटर अंतर को कम कर देगी और पर्यावरण अनुकूल बना देगी। पेट्रोल और डीजल की बड़ी बचत के साथ कभी थकान से चूर करने वाली ये यात्रा अब केवल 10 मिनट की प्रदूषण मुक्त सुखदायी यात्रा बन जाएगी। जगह जगह इमरजेंसी ले बेस विकसित होंगे, जो परेशानी भरी यात्रा को आनंदमयी बनाएंगे। चार धाम यात्रा सभी मौसम में सुगम एवं आनंदमयी बनाने के लिए 18 रोड साइड एमिनिटीज, 145 बस बेस भी विकसित होंगी। 9 ट्रक बेस क्षेत्र के व्यवसाय उन्नति में अहम भूमिका निभाएंगे। वर्ष 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है। भूमि अधिग्रहण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रोजेक्ट की उपलब्धियों में शामिल है एक्सीडेंट स्पॉट एवं दुर्घटनाओं के आंकड़ों में उल्लेखनीय कमी, खतरे की सूचना वाले बोर्ड जन सुविधा के पथ दर्शक बनेंगे, जो तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों में सुरक्षित यात्रा के विश्वास को कई गुना बढ़ाएंगे। हजारों युवाओं को रोजगार,
चीन से सटी भारतीय सीमा को सुरक्षा, और यात्रा के समय में 30-40% कमी। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना उत्तराखंड राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति तथा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।